ब्राह्मण समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में परशुराम महादेव मंदिर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यालय का शुभारंभ किया गया। ये सारी तैयारियां परशुराम महोत्सव को लेकर की जा रही है। समस्त सनातन धर्मावलंबियों के आराध्य राज राजेश्वर भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के गरिमा में आयोजन के लिए सकल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में समाज के वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में समाज जनों मार्त शक्ति और बच्चों द्वारा नीमच एलआईसी चौराहा स्थित भगवान श्री परशुराम महादेव मंदिर पर विधि विधान से ध्वजा पूजन कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। रविवार शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन एकत्रित हुए और मुख्य ध्वजा को पूजा अर्चना पश्चात रैली के रूप में एलआईसी चौराहे तक ध्वजा लेकर ढोल धमाकों के साथ छोटी रैली का आयोजन किया गया। साथ ही आगामी मई माह में होने वाले 4 दिवसीय परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों की शुरुआत की गई। परशुराम जन्मोत्सव संयोजक एडवोकेट दिलीप शर्मा और सह संयोजक प्राण जीवन पारिख द्वारा ध्वजा पूजन संपन्न कराया गया, जिसमें तत्पश्चात वरिष्ठ जनों द्वारा भगवान परशुराम की आरती की गई। आगामी परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां किस प्रकार से की जानी चाहिए, जिसके सुझाव वरिष्ठ जनों द्वारा दिए गए। कार्यक्रम पश्चात प्रसाद वितरण कर स्वल्पहार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सकल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष पंडित शैलेश जोशी द्वारा की गई और कार्यक्रम के संयोजक द्वारा समस्त ब्राह्मणों से आगामी दिनांक को होने वाले परशुराम जन्मोत्सव सप्तम वर्ष को धूमधाम से मनाए जाने के लिए आग्रह किया गया।